दिस इज़ अ कंपेरिजन वीडियो ऑफ सोनी ST-S40R एंड लॉजिटेक Z906। आपको पता है इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं? बोथ ऑफ देम सपोर्ट्स डॉल्बी डिजिटल 5.1 एंड बोथ ऑफ देम आर रियल 5.1 चैनल्स, नॉट वर्चुअल। दोस्तों वर्चुअल 5.1 का मतलब है कि उसमें टोटल 5 स्पीकर्स नहीं दिए गए, मतलब 2 सराउंड साउंड स्पीकर जो आपके पीछे प्लेस होते हैं वो नहीं दिए गए, उसको बोलते हैं वर्चुअल। अगर सराउंड स्पीकर्स रियल में आपको डेडिकेटेड दिए गए हैं दोस्तों उसको बोलते हैं रियल 5.1। तो बोथ ऑफ देम आर रियल 5.1 चैनल्स एंड लास्ट बोथ ऑफ देम कॉस्ट अराउंड 30K, अंडर 30K। दोनों ही 30,000 से नीचे आपको मिल जाएंगे दोस्तों इस समय अमेज़ॉन पर। बेस्ट बाय लिंक्स दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जल्दबाजी मत करना, पूरा कंपैरिजन करेंगे फुल इस वीडियो में और लास्ट में आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एक दोस्तों अच्छा डिसीजन लेने के लिए कंपैरिजन यानी कि दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो पता होने बहुत ज़रूरी हैं। डिफरेंसेस क्या क्या हैं बताऊँ आपको इस छोटे से साउंड टेस्ट के बाद। बाय द वे दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दिया गया है, इस पर जाकर फॉलो कर लीजिए। दोनों के हिंदी सैंपल्स, मूवी सैंपल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप और अच्छे तरीके से इनकी साउंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि एक माइक्रोफोन ह्यूमन ईयर जितना तो अच्छा नहीं सुन सकता, लेकिन आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप का बेस है और वोकल्स, थोड़ा आइडिया लग सकता है। बाकी बताने के लिए मैं हूँ। तो दोस्तों पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस वाइज इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों इन दोनों के रिमोट कंट्रोल की, तो सोनी में आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स जैसे कि नाइट मोड, सिनेमा मोड, म्यूजिक मूवी, इस तरह के मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरी तरफ लॉजिटेक में मोड्स नहीं है, लेकिन लॉजिटेक में आप 2.1, 4.1 या 5.1 पर सेलेक्ट करके अलग अलग तरह के इफेक्ट्स को एंजॉय कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, मैंने बहुत ही रेयर रिमोट देखे जिनके अंदर 3 AAA बैटरीज हैं। लॉजिटेक का रिमोट ऐसा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ईजी टू यूज़ भी है। बात करें दोस्तों सराउंड चैनल्स की, सोनी में आपको वायरलेसली अटैच्ड सराउंड चैनल मिल जाते हैं जो कि सब वूफर से वायरलेसली अटैच्ड होते हैं, यानी कि वायर्स का दोस्तों आपको यहाँ कोई भी झंझट देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि इन दोनों को एक बॉक्स के थ्रू अटैच करना होगा और उस बॉक्स का एक पावर प्लग है, उसको आपको अलग से पावर देनी पड़ेगी। लॉजिटेक में दूसरी तरफ दोस्तों वायर हैं तो वायर का थोड़ा सा झमेला हो सकता है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लॉजिटेक के पास वो ब्लूटूथ और HDMI ERC का ना होना है, यहाँ थोड़ा पीछे रह जाता है। सोनी में आपको HDMI ERC जिसका वर्जन है 2.0 एंड ब्लूटूथ दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों लॉजिटेक में ऑप्टिकल, RCA, कोएक्सियल ये तीनों सपोर्ट हो जाते हैं, तो ऑप्टिकल के थ्रू आप डेफिनेटली डॉल्बी डिजिटल का मजा ले सकते हैं। और दूसरी तरफ सोनी में दोस्तों आपको HDMI ERC के थ्रू अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना होगा अगर आपको डॉल्बी डिजिटल का मज़ा लेना है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इनकी स्पेसिफिकेशंस वाइज क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और सबसे बड़ा दोस्तों एक डिफरेंस और बता दूं मैं आपको, सोनी का टोटल पावर आउटपुट है 600 वॉट और लॉजिटेक का 500 वॉट। हालांकि लॉजिटेक कंपनी क्लेम करती है कि 1000 वॉट पीक पावर के साथ आता है, लेकिन RMS पावर है दोस्तों 500 वॉट RMS। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्पेसिफिकेशंस देखकर आप किसी के भी साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो अब जल्दी से मैं आपको बताता हूँ साउंड क्वालिटी की। सबसे पहले बताता हूँ लाउडनेस की। दोस्तों देखो
लॉजिटेक और सोनी दोनों ही बहुत ज़्यादा लाउड सिस्टम हैं। आपको छोटे रूम के लिए ये सिस्टम नहीं लेने चाहिए। 200 स्क्वायर फीट से बड़ा बड़ा रूम है आपका तो आपको ये सिस्टम लेना चाहिए। एंड इवन लॉजिटेक तो दोस्तों इतना लाउड है, मैंने आपको लॉजिटेक वाले वीडियो में भी शायद बताया होगा कि आप उसको इवन आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा इमरजेंसी केस लग रहा है जहाँ आपको आउटडोर के लिए यूज़ करना पड़े सिस्टम, लॉजिटेक का वहाँ यूज़ कर सकते हो। हालांकि दोस्तों सोनी भी कम लाउड नहीं है, आपको अच्छे खासे बड़े रूम को अच्छी तरीके से साउंड से फिल कर देगा। तो लाउडनेस में मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन ज़्यादा ऊपर है कौन ज़्यादा नीचे, आगे वाले पॉइंट्स आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों किसी भी साउंड बार का या किसी भी 5.1 चैनल का काम होता है एक अच्छी डिलीवरी करना मूवीज़ के टाइम। दोस्तों सोनी के वोकल्स जो मिड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं नो डाउट, बट दोस्तों कंपैरेटिव लॉजिटेक की जो वोकल्स हैं बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। वोकल्स में ना तो फालतू का भारीपन है और ना ही फालतू का ट्रैवल, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बूमी साउंड भी नहीं करते हैं। अपर बेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है लॉजिटेक में। लॉजिटेक जैसे क्लोज टू नेचुरल क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन वोकल्स दोस्तों मैंने आज तक नहीं सुने अंडर 30 के जो मैंने साउंड बार्स या स्पीकर्स यूज़ किए हैं, ओके, जो भी मल्टीमीडिया स्पीकर्स यूज़ किए हैं अभी तक मैंने लॉजिटेक जैसे फ़िलहाल वोकल्स नहीं सुने। आने वाले टाइम में दोस्तों काफ़ी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंडर थर्टी थाउजेंड तक मैंने अभी सारे सिस्टम सुन लिए हैं, लेकिन जो सुने हैं लॉजिटेक दोस्तों थम्स अप रियली। इवन क्वालिटी के मिड्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। जब मैंने दोस्तों इन दोनों से मूवीज़ लगा कर देखी तो नीट एंड क्लीन डायलॉग्स मुझे लॉजिटेक में सुनने के लिए मिल रहे थे। हालांकि दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, बेस दोनों का ही वोकल्स को डिस्टर्ब करता है। जी हाँ, बेस तो आपको दोस्तों दोनों में ही कम करना पड़ेगा। सोनी में आपको 2 पॉइंट रिमोट से कम करना पड़ेगा, 12 पे रहता है तो आपको 8 या 10 पे रखना पड़ेगा। लॉजिटेक में दोस्तों आपको बेस तब कम करना पड़ेगा जब आप उसको जानबूझ के बढ़ाते हो। इट मींस जब भी आप लॉजिटेक को पावर ऑन करोगे, बाय डिफॉल्ट जो कंपनी ने आपको बेस सेट करके दिया है, अगर आप बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हो, वोकल्स आपको दोस्तों एकदम बेहतरीन सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन जैसे आप दोस्तों आप बेस को फुल करते हो तो आपका फोकस डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएगा बेस की तरफ, क्योंकि इसका बेस दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यही बताने वाला हूँ बेस के बारे में, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज दोनों दोस्तों लॉजिटेक में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेस देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसको हार्ट थम्पिंग बेस बोल लीजिए, ग्राउंड शेकिंग बेस बोल लीजिए, दोस्तों हर तरफ से सोनी से काफ़ी आगे है। सोनी का बेस दोस्तों हालांकि पंची है और बूमी है, इनको थोड़ा सा अपर बेस कंट्रोल करना चाहिए था, ये मैंने सोनी की वीडियो में आपको बोला था, काश थोड़ा सा कंट्रोल होता लोअर बेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता, बट नो प्रॉब्लम। जिसको पंची बेस पसंद है आप सोनी की तरफ जाइए, जिसको थम्पी हार्ड थम्पिंग बेस बोन रैटलिंग बेस पसंद है दोस्तों लॉजिटेक जैसा बेस भी 30,000 के आसपास या उससे नीचे के जो प्राइसेस के सिस्टम्स हैं कोई भी आपको नहीं दे रहा इस टाइम। नो कंपैरिजन ऑफ लॉजिटेक सेट 906 इन टर्म्स ऑफ बेस डेफिनेटली। तो दोस्तों हमने बेस की बात कर ली, वोकल्स की बात कर ली, अब आ जाते हैं दोस्तों सराउंड साउंड। दोनों ही डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करते हैं, सराउंड साउंड इफेक्ट किसका ज़्यादा अच्छा है दोस्तों? जब भी आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार प्लस पे 5.1 के अंदर मूवी देखते हैं तो ओवरऑल थिएटर लाइक फीलिंग, देखिए पूरी तरीके से थिएटर लाइक फीलिंग नहीं दे सकता क्योंकि मल्टीपल चैनल्स होते हैं और वो एटमोस सपोर्ट करते हैं, यहाँ वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्लोज टू, कौन ज़्यादा क्लोज था दोस्तों? डेफिनेटली लॉजिटेक। एक्शन सीन्स बोल लो या डायलॉग डिलीवरी बोल लो या सराउंड चैनल का बहुत ही अच्छा खासा इफेक्ट बोल लो, आपको लॉजिटेक Z906 में बेटर देखने के लिए मिलता है कंपेरेटिव टू सोनी S40। जी हाँ, देखिए दोनों को साइड बाय साइड मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी, म्यूज़िक सुना काफ़ी दिनों से, लगभग ऑलमोस्ट एक महीना भर हो गया है तब मैं आपको ये वीडियो बना के देगा कंपेरेटिव वीडियो, ओके, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। डेफिनेटली दोस्तों मिड्स अच्छे हैं लॉजिटेक के, बेस भी अच्छा है लॉजिटेक का। सोनी के दोस्तों अलग फ़ायदे हैं, वायरलेस आपको सराउंड चैनल्स मिल जाते हैं, पंची बेस मिल जाता है, क्रिस्पी वोकल्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रिस्पीनेस जो होती है वोकल्स में वो आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप सोनी की तरफ जा सकते हैं। प्योर वोकल्स एंड स्मूथ वोकल्स आपको चाहिए तो डेफिनेटली लॉजिटेक की तरफ जाइए। तो दोस्तों ये थी मेरा फाइनल कंक्लूजन इन दोनों के रिगार्डिंग। 30,000 के आते हैं, बहुत ही ध्यान से सोच समझ के लेना, 30,000 एक बड़ा अमाउंट होता है, ओके, अपने हार्ड अर्न मनी को इस तरीके से वेस्ट मत कीजिए जल्दबाजी में लेकर। और इन दोनों की दोस्तों इंडिविजुअल वीडियोस भी पड़ी हैं चैनल के ऊपर, आप उनको भी जाके एक बार देख लीजिए तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों लॉजिटेक को लेकर बहुत बेहतरीन लगा, लेकिन
बाय डिफॉल्ट जो कंपनी ने 20 सेट करके दिया है आप उसको बढ़ाइए मत अगर आपको वोकल्स का मजा लेना है। हाँ, आपको शो ऑफ करना है और आपको अपने नेबर्स को दुखी करना है, परेशान करना है, ठीक है, और घर के शीशे दरवाजे हिलाने, तो डेफिनेटली आप उसको 20 को फुल करके देख सकते हैं। ऐसा बेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, इसका जो 8 इंच का सबवूफर है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपेरेटिव टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो सैम्पल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स, होम थिएटर या मल्टीमीडिया स्पीकर्स के, साउंड वार्स के। ओके, मिलता हूँ।